Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we are resuming our Seerah podcast, Mohyu Nabi in season 2. Previous podcast mein humne इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि इराक़ में पैदा हुए, किस तरीके से उनकी जर्नी कि वो इजिप्ट जाते हैं, वहाँ उनकी शादी होती है, शादी के बाद वो मक्के किस तरीके से आए, तो हमने इसको डिस्कस किया था। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत होती है और बड़ी डिटेल के अंदर सीज़न हमने इसको डिस्कस किया था किस तरीके से जो यमनी कबीला है वो आता है, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी होती है, फिर वहाँ से जो लेगेसी है वो आगे कंटिन्यू होती है और फिर सदियों बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, उनकी पैदाइश होती है और उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही उनके ऊपर नाजिल होती है, तो उससे लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के के अंदर जो एक इमेंस और इंटेंस जर्नी थी, जिसे हम मक्की पीरियड भी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था सीज़न 1 के अंदर। और होते होते ईयर ऑफ सॉरो, जिसे हम आमुल हुज़्न, गम का साल भी कहते हैं, जिसमें अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन दोनों अल्लाह के रसूल की महबूब तरीन शख्सियात की फौतगी हो जाती है, वफात होती है, और उसके बाद अल्लाह के रसूल के जो ताइफ़ की जर्नी होती, ताइफ़ का जो सफ़र था, जो कि बहुत, जिसमें अल्लाह के रसूल के ऊपर बहुत बुरा और बदतरीन उन पर तशद्दुद किया गया और बहुत एक टफ़ जर्नी थी, तो वहाँ पे हमने सीज़न 1 को क्लोज़ किया था। इंशाल्लाह सीज़न 2 के अंदर ताइफ़ के बाद क्या होता है, क्या अल्लाह के रसूल की जो है जर्नी रही, क्या उनकी ज़िंदगी रही, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सी यू देयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।